खबर रीवा से है, जहां आबकारी विभाग द्वारा मदिरा की अवैध बिक्री तथा परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जब्त की गई मदिरा राजसात की जाती है। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की उपस्थिति में औद्योगिक उद्योग विहार चौराटा में मदिरा विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग ने विभिन्न प्रकरणों में जब्त तथा राजसात कुल 3020 बल्क मीटर मदिरा को जेसीबी मशीन से विनिष्टीकरण किया। इस मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सागर ने बताया कि उद्योग विहार चौराहा में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मदिरा विनिष्टीकरण किया गया। इसमें चौराहा थाने के 9 प्रकरणों में जब्त 1400 लीटर सामान तथा थाना के 2 प्रकरणों में जब्त 460 लीटर तथा बिछिया थाना के 2 प्रकरणों में जब्त 114 लीटर मदिरा शामिल थी। इसी तरह गोविंदगढ़ थाने के 1 प्रकरण में जब्त 250 लीटर मदिरा, सिविल लाइन थाने के 1 प्रकरण में जब्त 65 लीटर एवं गुड़ थाना के 4 प्रकरणों में जब्त 720 लीटर मदिरा को नष्ट किया गया। कार्यवाही के समय SDM हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, सहायक आबकारी अधिकारी लोकेश ठाकुर एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।